जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें करते वक्त ऐसा लगता है कितना मुश्किल है, कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सब कुछ काम होते हैं तो इनको करने से पहले ऐसा लगता है, पर जब उसे करते हैं जो करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। तो चलिए आज हम कुछ करते हैं इसी तरह का, जो कि हम यहाँ पर देखिए मैं ना और बच्चे भी लगे हैं साथ साथ, तो बच्चे खाली यहाँ पर थोड़ा टाइम पास ऐसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो रही है हमारी ग्रिल की पेंटिंग के लिए हम कर रहे हैं ग्रिल को तैयार। सबसे पहले जो ग्रिल को जो है रेक मार का जो मैंने अभी दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, तो उससे घिस कर पूरा ग्रिल जो है हम साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद जो है अपने ग्रिल को देखिए काफ़ी जंग लग गया है हमारी ग्रिल पर, और ग्रिल का ऐसा पार्ट होता है रेलिंग वगैरह हो गया, ग्रिल हो गया, तो ये रेलिंग काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब हो गई है यहाँ पर देखिए इस तरह से, तो जंग से क्योंकि पानी वगैरह पड़ता है ना तो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो इसको अच्छे से पहले हमने पूरा रेग मार से आगे पीछे दोनों तरफ से घिस कर साफ़ करना है। तो और उसके बाद देखिए काफ़ी सारा जो है इसमें रस्ट निकल गया है, इतना जंग निकल गया है। तो इसको हम पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद जो है हम इसका बाकी काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लगे हैं दोनों, एक तरफ से ये कर रहे हैं, एक तरफ से मैं कर रही हूँ, दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हैं और बच्चे भी अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग दे रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हमने जो है ग्रिल को अच्छे से साफ़ कर लिया, और अब सबसे पहले जो है ग्रिल को रात के ही टाइम में जो है पानी से इस तरह साफ़ कर लो, जो जाके जो धूल मिट्टी की देखिए काफ़ी धूल मिट्टी इस पर चिपक गई है, तो वो सब अच्छे से साफ़ हो जाए। तो देखिए कितनी धूल जो है जो हमने अभी घिसा है ना, वो सारा जो धूल मिट्टी वो सब इस पर चिपक गई, उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इस तरह से पानी मार के अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और फिर इसको रात भर के लिए छोड़ देंगे और सुबह करेंगे हम इसकी पेंटिंग स्टार्ट। और इसी तरह हमने अपने घर के गेट को भी पेंट किया है, रीपेंट किया है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो चेक नहीं किया तो वो भी चेक करना। अगर आपको भी कोई वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप भी ट्राई करना। कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछना, किस तरह से कुछ भी अगर मेरे से कोई हेल्प हो पाएगी तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। तो यहाँ पर हमारा पेंटिंग स्टार्ट है, तो ऊपर नीचे सारे कोने कोने को देखते हुए इस तरह से हम जो पेंट कर रहे हैं। तो अभी जो है हम ब्लैक पेंट ही कर रहे हैं यहाँ पर फिर से री, और इस तरह से जो है हम पेंट ऊपर नीचे से पहले सारे कोने कोने में अच्छे से कर रहे हैं। तो इस पर हम जो है तीन कोट मारेंगे, दो या तीन कोट जितना हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा जो है फ्रंट एक कोट लग चुका है, अब हमारा सेकंड कोट चल रहा है यहाँ पर। तो जहाँ पर हमें थ्री कोट की ज़रूरत होगी वहाँ थ्री कोट करेंगे, वैसे टू कोट में मेरे हिसाब से पूरा हो जाएगा। तो दो ही कोट में हम जो इसको कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे कोने कोने पे भी ब्रश करते हुए और ये पूरा ब्लैक पेंट कर लेंगे। तो फर्स्ट कोट करना तो काफ़ी आसान रहता है क्योंकि उसमें जो हमने पेंट जो करना है वो हमें दिख रहा है कि हमने कहाँ कहाँ करना है। और जब सेकंड कोट करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम कर चुके हैं पर वहाँ पर हम करा ही नहीं होता है हमने, तो इस तरह से लगता है। तो इसलिए ध्यान रखते हुए हमने करना होता है कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पर छोड़ा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम अच्छे एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के व्लॉग में मैंने आपका स्वागत भी कर लिया है। तो यहाँ पर जो है पेंटिंग का काम ऑलमोस्ट जो है अभी हमारे कोट हो गया है, सेकंड कोट जो है वह चल रहा है। और इस तरह से हम जो है अभी एक पार्ट हमने किया है, तो जितना हमें करना हो ना उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पार्ट करके करेंगे। ऐसा नहीं कि सारा हम एक साथ फैला देंगे, तो एक साइड का हम करेंगे फिर हम सेकेंड साइड करेंगे। पता लगना चाहिए। हमने खर्चों बढ़िया करके कर दिया। कितनी? एक मिनट की तो होली से है। और ये है हमारी पुरानी रेलिंग जिसका भी काम बाकी है, इसको भी करेंगे। देखिए वाइट होने लगी है और इसका जंग उतर चुका है, जंग निकल रहा है इसमें भी, खूब साफ करेंगे और इसको भी जैसा ही चमकाएंगे जैसी कि ये वाली चमकी हुई है। और चलिए देखते हैं हम कितना अच्छा। देखिए हमारे छत के पास जो है एक तार बहुत करीब है, तो इसके लिए हमने एक जुगाड़ किया कि हमारे पास जो पुरानी सीढ़ी थी उसी से हमने थोड़ा तार को दूर कर लिया और गैप बना के इसमें जो है पेंट कर लिया।
और यहाँ पर साथ साथ हस्बैंड जी हैं जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर शूट कर रहे थे, साथ साथ बता भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक साइड जो हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, दोनों कोट हमने यहाँ पर कर लिया सिंगल डबल, अब बस थोड़ा सिल्वर बाकी है और इस साइड अब हम स्टार्ट। और अब देखिए फाइनल लुक, तो फाइनल लुक के बाद कैसा लग रहा है फाइनल पूरा होने के बाद, तो देखती हूँ पूरा छत आपको दिखाती हूँ, पूरी रेलिंग किस तरह से जो है हमने कर लिया है और अब बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं कोई पेंटर नहीं हूँ, तो मैंने आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम खुद से भी किस तरह छोटे छोटे काम को घर में कर सकते हैं आराम से। थोड़ा टाइम लगता है बट जब बाद में हो जाता है ना तो उसका सेटिस्फेक्शन ही अलग होता है। तो ये फाइनल लुक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।